अब भुने हुए मसाले को चीरा लगे हुए बैगन में सावधानी से भर दें। सावधान रहें क्योंकि ये गर्म है। भरने के बाद उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा तेल डालकर और सारे बैगन पकने के लिए रख दें। ये देखिए, ऊपर से ढक दें, 10 से 15 मिनट तक पकने दें। बहुत बढ़िया बैगन बन जाएंगे। अन्नपूर्णा के व्यंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी, भरवा बैगन। यूँ तो भरवा बैगन आपने बहुत बार खाए होंगे, इस बार हमारे तरीके से बनाकर देखें और फिर खाएं। आपकी बहुत तारीफ होगी घर में, बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार बनते हैं। ये आधा किलो बैगन ले लिए हैं, इनको बढ़िया सा धोकर साफ कर लेके और इनको चीरा लगा दिया है। उसके बाद दो टमाटर, दो प्याज, दो हरी मिर्च, इसको मिक्सी में ग्रेवी बना ली है। और उसके बाद इस ग्रेवी में एक चम्मच हल्दी छोटी, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची, डेढ़ चम्मच धनिया, डेढ़ चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और सौंफ। खड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं आप, पिसी सौंफ भी डाल सकते हैं, हमने खड़ी सौंफ डाली है इसमें। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। इधर कढ़ाई गैस पर रख दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इस ग्रेवी को कढ़ाई में फ्राई करेंगे। ध्यान रखें ग्रेवी को ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि बैगन को दोबारा भी कढ़ाई में पकाना है, इसलिए थोड़ा सा ही फ्राई करें। ये देखिए पूरे मसाले इसमें डाल दिए हैं, ये गरम मसाला भी डाल दिया है। ये कढ़ाई गरम होने रख दी है गैस पे, ये कढ़ाई गरम हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इसके साथ ही ये ग्रेवी पूरी कढ़ाई में डालकर इसको छोंक दिया है। थोड़ी देर चलाते रहें। ये देखिए ग्रेवी बनके तैयार है, गैस बंद कर दी है। ये पानी में डले हुए हैं बैगन अभी तक, इनको चार भागों में चीर लिया है। डंठल पकड़ के आसानी से ये ग्रेवी को बैगन में डाला जा रहा है, लगाया जा रहा है। सावधानी रखें क्योंकि ये बहुत गर्म है। उसके बाद उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर और ये सारे बैगन जिनमें आपने ग्रेवी भर दी है कढ़ाई में पकने के लिए रख दें, ढक दें और 10 से 12 मिनट तक इनको पकने दें। ये देखिए 10-12 मिनट के बाद इसको निकाला जा रहा है, ये पक चुके हैं बैगन। ये भरवा बैगन बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार लगते हैं। हमने पूरी तरह से इनमें घरेलू मसालों का उपयोग किया है, जो स्वाद के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। तीखे मसाले हम कम से कम उपयोग करते हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, हमें बताएं, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।